दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राव जमने कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपके नेताओं का ऐसा मानना है कि केजरीवाल के बाहर आने से पार्टी एकजुट होगी और जो कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं वह भी ठीक हो जाएगी। दिल्ली में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब वह कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा ले पाएंगे। दिल्ली में कई काम रुके हुए हैं जो उनकी जमानत के बाद पूरे हो सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कैबिनेट बैठक नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण यह काम रुका हुआ था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हालांकि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हो सकेगी और उससे यह फैसला पूरा हो सकेगा। दिल्ली इस समय भीषण पानी संकट से भी जूझ रही है। कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है और इसको लेकर केंद्र और पड़ोसी राज्यों से विवाद भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना भी इस संकट को दूर कर सकता है। इसके अलावा इसी साल के आखिर में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है और पार्टी मजबूती के साथ अकेले चुनावी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर रहते हुए आम आदमी पार्टी चुनाव में मजबूती से लड़ सकती है। इसके अलावा ई व्हीकल पॉलिसी और मोहल्ला बस सर्विस जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। हालांकि कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा जब भी जरूरी होगा अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होंगे। इसके अलावा जांच में अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।